अलैकुम डियर फ्रेंड्स, मोहम्मद आरिफ खान एक मोटिवेशन स्पीकर और एक ट्रेनर आपके सामने यहाँ मौजूद है। और जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम जो है वो टेंसेस के बाद जो है हम एक्टिव पैसिव को स्टार्ट करेंगे और टेंसेस को फिर हम सीखेंगे इंशाल्लाह। विद इन 15 मिनट्स के अंदर आप टेंसेस को सीख सकते हैं बहुत आसानी से, कोई इतना बड़ा मसला नहीं। लेकिन टेंसेस को सीखने से पहले आपको एक चीज़ मैं बता दूँ कि अगर आपको पैसिव को सीखने से पहले अगर मैं आपको बता दूँ तो टेंसेस का आना बेइंतहा ज़रूरी है। और ये जो आपको सेशन लिया जा रहा है, ये सेशन उतना ही दिया जा रहा है जितनी की ज़रूरत है हमारे बच्चों को, 8, 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वालों को जितनी ज़रूरत है उतना ही इसको दिया जा रहा है। कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि सर इसमें तो बहुत सी सारी चीज़ें हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और बहुत डीप में हैं, तो बिल्कुल मैं उस चीज़ से बिल्कुल एतराफ़ करूँगा कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट होती हैं और बहुत डीप में भी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, क्योंकि हम उसको जितना सीखेंगे उतना ज़्यादा वो आगे बढ़ेगा। तो आज पहले मैं आपको डिफाइन कर दूं टेंसेस के बारे में। जो हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम क्लास के अंदर, वो हमने डिस्कस ये किया था कि टेंसेस जो है बेसिकली हमारे पास, कुछ लोग कहते हैं कि 12 होते हैं, फलां होते हैं, 10 होते हैं, कुछ लोगों को सही पता भी है। बिल्कुल, टेंसेस हमारे पास 3 होते हैं टेंसेस, एक प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। लेकिन मैंने आपको एक कहानी के थ्रू समझाया था कि अगर हमें कहानी को, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बचपन में हमने सीखी थी और वो आज तक हमारे दिमागों में, हमारे जहनों में मौजूद हैं। इसी तरीके से अगर आप अपने छोटों को टेंसेस के बारे में बताना चाहें तो उसके सबसे आसान तरीका यही कि मैंने आपको बताया था कि आप इतना जहन में रख लें कि एक दादा हैं, दादा का नाम टेंस है और दादा के 3 बेटे हैं। पहला बेटा प्रेजेंट, दूसरा बेटा पास्ट, तीसरा बेटा फ्यूचर। और फिर हर दादा के तीनों बेटों के, यानी कि प्रेजेंट के, पास्ट के और फ्यूचर के 4 बेटे हैं। और इन तीनों बेटों ने, यानी कि दादा के तीनों बेटों ने, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ने, अपने बच्चों के नाम जो है वो चारों बेटों के नाम एक जैसे रखे हैं। यानी कि प्रेजेंट ने भी अपने बेटों के नाम चारों जैसे रखे हैं, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट ने भी अपने चारों बेटों के नाम एक जैसे रखे हैं, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर ने भी अपने चारों बेटों के नाम एक जैसे रखे हैं, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा बेटा किसका है? तो मैंने बताया था आपको इसका आसान तरीका ये है कि जिसका बेटा होगा उसके बाप का नाम 7 आएगा। यानी कि इंडेफिनेट अगर प्रेजेंट का बेटा होगा तो वो कहलाएगा प्रेजेंट इंडेफिनेट, अगर कंटिन्यूस प्रेजेंट का बेटा होगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूस 7 लिखा हुआ आएगा। ये चीज़ मैंने आपको समझाई थी। फिर मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि हम परफेक्ट कंटिन्यूस को परफेक्ट कंटिन्यूस क्यों कहते हैं। कंटिन्यूस के अंदर आती है हमारे पास ING फॉर्म, चाहे वो कंटिन्यूस किसी का भी हो, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, हमेशा ING फॉर्म आएगी। परफेक्ट में आती है थर्ड फॉर्म आती है उसके अंदर। और परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर हमारे पास आती है, परफेक्ट कंटिन्यूस मींस थर्ड फॉर्म का भी आना है क्योंकि नाम है उसका परफेक्ट और कंटिन्यूस। तो परफेक्ट और कंटिन्यूस, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म आती है, कंटिन्यूस में ING फॉर्म आती है। लेकिन हाउ इट इज़ पॉसिबल, कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक ही सेंटेंस के अंदर, एक ही टेंस के अंदर 2 फॉर्म्स आ जाएँ, थर्ड फॉर्म भी आए और कंटिन्यूस यानी कि ING फॉर्म भी आए? तो उसका तरीका मैंने आपको आसान तरीका बताया था, उसमें ये होता है कि एक शादी के अंदर 2 काजी नहीं हो सकते, डेफिनेटली नहीं हो सकते, लेकिन हो भी सकते हैं। कैसे हो सकते हैं कि एक शख्स जो कि दुल्हा बना है उसकी खुद की शादी है, वो खुद काजी है, लेकिन वो अपना निकाह खुद नहीं पढ़ा सकता, उसका निकाह पढ़ाने के लिए भी, क्योंकि दूसरा काजी आएगा, यानी कि वो दूल्हा है और है तो काजी लेकिन वो उस वक्त दूल्हा है और उसका निकाह पढ़ाने के लिए दूसरा काजी आएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी यही कहानी है कि यहाँ पर हमने नाम के हिसाब से परफेक्ट और कंटिन्यूस, तो परफेक्ट में थर्ड फॉर्म, कंटिन्यूस में ING फॉर्म, तो परफेक्ट के थर्ड फॉर्म। लेकिन यहाँ पर थर्ड फॉर्म जो है वो होगी तो ज़रूर, लेकिन उसके अंदर वो ताकत नहीं होगी, यानी कि हाथी के दांत खाने कुछ और दिखाने कुछ और, दिखाने वाले हाथ, दिखाने वाले जो दांत होंगे वो बेसिकली बिन होगा, बिन, BEEN बैन, वो जो है थर्ड फॉर्म है, लेकिन थर्ड फॉर्म की तासीर उसके अंदर नहीं होगी और उसके बाद ING फॉर्म आएगी। तो थर्ड फॉर्म भी आ गई और ING फॉर्म भी आ गई। आज हम स्टार्ट करेंगे पैसिव को और आप ये सेशन को देखेंगे भी, और देखने के बाद आपने शेयर भी करना है और आपके कमेंट्स बताएंगे क्या इस पैसिव के सेशन को सेकेंड सेशन होना चाहिए, क्योंकि पैसिव एक थोड़ा तवील है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा उसको समराइज करने की। और मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें से बताऊंगा पैसिव के बारे में, और पैसिव के बारे में आप जितना मैं बताऊं उसको सुनिएगा भी, समझिएगा भी, और समझने के बाद मेरा व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के पास मौजूद है 03132025195। तो उसके ऊपर आप अपने कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं कि क्या चीज़ आपके समझ में नहीं आई, और जो मैं आपको लेक्चर दूंगा, जिस तरीके से मैं समझाऊंगा, उस चीज़ को आपने कागज़ पे, एक पेपर पे, कॉपी पे लिखना है, और लिखने के बाद आपने उसकी तस्वीर खींच के व्हाट्सअप पे मुझे दोबारा भेजनी है। और जब आप भेजेंगे तो फिर मैं आपको पैसिव का जो अगला सेशन है वो मुकम्मल करवाऊंगा, मेरा आपसे प्रॉमिस है। अब हम चलते हैं पैसिव की तरफ, एक्टिव और पैसिव की बात करते हैं। जितने भी हमारे टेंसेस हैं वो सारे के सारे एक्टिव कहलाते हैं, और जितने भी हमारे जो है टेंसेस के अंदर जो है दूसरा हिस्सा है वो हमारा पैसिव कहलाता है। तो एक्टिव और पैसिव में क्या फ़र्क है, इसे कुछ रूल्स हैं, अगर वो 4 रूल्स आप अपने दिमाग में रखें
तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप किसी भी सेंटेंस का पैसिव ना बना सकें। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको सिखा भी सकता हूं और बता भी सकता हूं। तो आइए पहले हम देखते हैं एक्टिव और पैसिव के अंदर। हमारे पास इसको आसान तरीके से समझने का मैं आपको बता रहा हूं और आपने इसको दिमाग में रखना है और समझना है। एक्टिव वेट सपोज कर लें, क्योंकि मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लेक्चर देने की कोशिश करता हूं ताकि आम फहम में गुफ्तगू की जाए, आम एग्जांपल्स के साथ और हमारे सोशल एग्जांपल्स के साथ, ताकि आप आसानी से समझ सकें। लेट सपोज कर लेते हैं हम कि ए टी आई वी एक्टिव, एक्टिव का मतलब एक्टिव आ गया और यहां पर मैंने लिखा पी ए डबल एस आई वी पैसिव, ये पैसिव आ गया, ये एक्टिव आ गया और ये पैसिव आ गया। लेट सपोज कर लेते हैं और आप उसको जरा गौर सुनिएगा मेरी बात को, कि एक्टिव का मतलब है चुस्त, एक्टिव का मतलब चुस्त, पैसिव का मतलब सुस्त, एक्टिव का मतलब चुस्त, पैसिव का मतलब सुस्त, बीच में आ गया वॉइस, ये आ गया वॉइस, और वॉइस का मतलब है तर्ज बयान, तर्ज बयान, तर्ज बयान का मतलब ये हुआ के बयान करने का तरीका। हम गुफ्तगू को दो तरीके से बयान कर सकते हैं। अब कैसे बयान करेंगे मैं आपको समझाता हूं। एक्टिव का मतलब चुस्त, पैसिव का मतलब सुस्त और वॉइस का मतलब तर्ज बयान। अब मैं क्या करूंगा, एक्टिव वॉइस को मैंने अगर इकट्ठा लिखा तो एक्टिव वॉइस का मतलब ये हुआ कि चुस्त तर्ज बयान, और यहां पर लिखता हूं पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस के अंदर मैंने कहा सुस्त तर्ज बयान। एक्टिव वॉइस का मतलब चुस्त तर्ज बयान, पैसिव वॉइस का मतलब सुस्त तर्ज बयान। ये नंबर वन, मैंने आपको बताया कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स को अगर आप दिमाग में बिठा लें तो आप आसानी से पैसिव सीख सकते हैं। मेरा आपसे प्रॉमिस रहा, इंशाल्लाह मैं आपको सिखा दूंगा और आप समझ जाएंगे। सीखना और पढ़ने में फर्क है। पढ़ने में ये क्या, आप पढ़े जा रहे हैं, आपको पढ़ लिया सब कुछ, अपने हद तक आपने पढ़ लिया है, लेकिन अगर आपको कहीं कहा जाए कि आप इसको बताएं, समझाएं, कोई काम करें या पैसे बना के दिखाएं तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो यहां पर मैं आपको समझा रहा हूं, एक्टिव का मतलब होता है चुस्त, पैसिव का मतलब होता है सुस्त, वॉइस का मतलब होता है तर्ज बयान, एक्टिव वॉइस का मतलब होगा चुस्त तर्ज बयान और पैसिव वॉइस का मतलब होगा सुस्त तर्ज बयान। अब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस रूल नंबर टू आ गया हमारे पास। एक्टिव वॉइस वो जुमला, एक्टिव वॉइस वो जुमला जिसमें काम करने का जिक्र हो। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक्टिव वॉइस का मतलब ये हुआ कि एक्टिव वॉइस का मतलब है वो जुमला जिसमें काम करने का जिक्र हो। एक्टिव वॉइस का मतलब क्या है, जिसमें काम करने का जिक्र हो। और पैसिव वॉइस को हम डिस्कस करते हैं, पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस का मतलब ये हुआ वो जुमला जिसमें काम होने का जिक्र हो। यानी कि एक्टिव वॉइस का मतलब मैंने आपको बताया कि एक्टिव वॉइस का मतलब वो जुमला जिसमें काम करने का जिक्र हो, और पैसिव वॉइस का मतलब मैंने आपको बताया कि वो जुमला इसमें काम होने का जिक्र। अब करने का जिक्र और होने का जिक्र इसमें क्या होता है, मैं एग्जांपल देता हूं। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां पर लिख दूं कि मैं बिरयानी खाता हूं, मैं बिरयानी खाता हूं, अब आप खुद सोचें इसमें काम करने का जिक्र है या होने का जिक्र है। अब इसकी एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, आपके समझ में आसानी से आएगा। मैं बिरयानी खाता हूं और बिरयानी खाई जाती है। अब बिरयानी खाई जाती है, अब आप मुझसे कुछ स्टूडेंट सवाल करते हैं कि सर इसमें मैं कहां गया, तो भाई मेरी बात को गौर सुने। पैसिव बनाने का, पैसिव बना ही क्यों जाता है, पैसिव इसी सूरत में बनाया जाता है कि हम काम करने वाले को छुपा दें। काम करने वाले का नाम नहीं आना चाहिए, जो हम अपने घरों में इन चीजों के बारे में बात भी करते हैं। जब काम करने वाले का जिक्र आ रहा है तो फिर आपको पैसिव बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो पैसे बनाने का मकसद यही है कि काम जिसने किया है उसका नाम बीच में ना है। इस तरह के अखबारी रिपोर्टर होते हैं, हमारे पास जर्नलिज्म होता है उसमें हम गुफ्तगू करते हैं, बहुत सारी बातों में करते हैं। तो जब काम करने का जिक्र होगा तो वह एक्टिव वॉइस कहलाएगा, और जब काम होने का जिक्र होगा तो वो पैसिव वॉइस कहलाएगा। जैसे यहां पर लिखा मैं बिरयानी खाता हूं, बिरयानी खाई जाती है, ये इस तरह से। लेकिन जब आप एग्जाम में जाते हैं मेरे स्टूडेंट्स, 9th, 10th, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, जब आप एग्जाम में जाते हैं फिर आपको क्या करना पड़ता है, वहां पर आप बता सकते हैं, वहां पर बाय लगा सकते हैं, फ्लां लगा सकते हैं, वो उस पर जरूरी होता है। लिखने में हम इसको कह देते हैं अमूमन एग्जाम्स के अंदर, लेकिन जब आप बोल रहे हो तो बोलते हुए फिर आपको इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती है। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है। अब यहां पर चलते हैं, वो जुमला जिसमें काम करने का जिक्र हो और वो जुमला जिसमें काम होने का जिक्र हो। जिसमें काम करने का जिक्र होगा वो एक्टिव वॉइस, जिसमें काम होने का जिक्र होगा वो पैसिव वाइज। आई एम श्योर दैट यू आर गेटिंग माय पॉइंट, आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। दोबारा रिपीट करता हूं, एक्टिव का मतलब चुस्त, पैसिव का मतलब सुस्त, वॉइस का मतलब तर्ज बयान। एक्टिव वॉइस का मतलब
एक्टिव वॉइस का मतलब चुस्त तर्ज बयान, पैसिव वॉइस का मतलब सुस्त तर्ज बयान। एक्टिव वॉइस वो जुमला जिसमें काम करने का जिक्र हो, पैसिव वॉइस वो जुमला जिसमें काम होने का जिक्र हो। ये आपके सामने मैंने एग्जांपल भी आपके सामने ली। अब रूल नंबर टू हमारे पास आ गया। रूल नंबर टू ये है कि एक्टिव को पैसिव में चेंज करने के कुछ रूल्स होते हैं। क्या रूल्स होते हैं ये समझ में। एक्टिव के अंदर हमेशा, एक्टिव के अंदर याद रखिएगा, हमेशा शुरू में सब्जेक्ट आएगा और पैसिव के अंदर हमेशा शुरू में ऑब्जेक्ट आएगा। एक्टिव के अंदर, एक्टिव वॉइस के अंदर हमेशा सब्जेक्ट शुरू में आता है और पैसिव वॉइस के अंदर हमेशा शुरू में ऑब्जेक्ट आता है। कुछ रूल्स हैं इसके, मैं आपको बताता हूं। देखिएगा रूल नंबर टू हमारे पास आ गया, ये पहला हिस्सा था, दूसरा हिस्सा आ गया। इसके हमारे पास कुछ रूल्स हैं। अब इसके रूल्स क्या हैं? ये आ गया आर यू एल ई एस रूल्स। रूल्स कौन कौन से हैं? रूल नंबर वन, रूल नंबर वन क्या है? सी आर ओ डबल एस क्रॉस मल्टीप्लायर, क्रॉस मल्टीप्लायर। ये मैं अपने अपने तरीके से पढ़ा रहा हूँ भाई। कुछ लोग मुझसे कहते हैं सर इसमें कहाँ से आ गए ये, तो ये आप, मैं समझाने के लिए किसी भी किस्म की एग्जांपल देने को तैयार होता हूँ। कि बस मेरी कोशिश ये होती है कि मेरा स्टूडेंट किसी भी तरीके से सीख जाए कि मैं सिखाना क्या चाह रहा हूँ। क्योंकि हम टीचर्स जो हैं, हमारा मकसद यही होना चाहिए कि हम जो सिखाना चाह रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, तफरी से हो, फन से हो, सीरियसनेस से हो, सोशल एग्जाम्पल हो, कोई भी हो, हमारा टारगेट सिर्फ एक होता है कि हमारी बात हमारे स्टूडेंट के दिमाग में बैठ जाए, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए। मेरी बात वाली कहानी है कि पहले मैंने क्या बताया, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरीके से होगा कि हम क्या करेंगे, हमारा जो एक्टिव के अंदर जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, वो आपको मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था कि तीन चीज़ें ज़रूरी होती हैं खाना पकाने के लिए। एक होता है पतीला, एक होती है आग और एक होती है आपके पास चमचा। इसी तरीके से वो तीन चीज़ें इसमें भी ज़रूरत होंगी। अब फॉर एग्जाम्पल हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आपके पास आ गया सब्जेक्ट और ये आगे आपके पास ऑब्जेक्ट, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि एक्टिव के अंदर ऐसे होता है कि सब्जेक्ट शुरू में आता है, ऑब्जेक्ट आखिर में आता है। हम इसको क्या करेंगे, हम इसको ये करेंगे कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होगा, ऑब्जेक्ट शुरू में आएगा, सब्जेक्ट आखिर में जाएगा। ये हमारा पहला था, ऑब्जेक्ट शुरू में आएगा, सब्जेक्ट आखिर में जाएगा। सब्जेक्ट से पहले हम लगाएंगे बाय, बाय से पहले वर्ब की लगेगी थर्ड फॉर्म। ये हमारा पैसिव का फॉर्मूला है, पैसिव का फार्मूला है। चाहे आप किसी भी सेंटेंस को पैसिव में बनाने की कोशिश करेंगे, बनाना चाहेंगे, आपको इस पैटर्न पर चलना पड़ेगा। और एक्टिव के अंदर क्या होता है, एक्टिव के अंदर ये होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यानी कि एसवीओ भी हम उसे कहते हैं। इसी तरीके से जब पैसिव को आपने चेंज किया, तो पैसिव में चेंज करने के लिए आपने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सब्जेक्ट इंटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इंटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इंटू ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट से पहले आपने क्या लगाना है, हमेशा बाय, और बाय से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव के अंदर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, पैसिव के अंदर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ध्यान में रखिएगा इस बात को, भूलिएगा नहीं हमारे स्टूडेंट्स। अब उसके बाद क्या करना है, चाहे वो आप किसी का भी, किसी भी टेंस का आप बनाएंगे पैसिव, किसी भी टेंस का पैसिव बनाने के लिए आपको अपने दिमाग में यह फॉर्मूला रखना पड़ेगा। चाहे वो इंडेफिनिट हो, कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट हो या परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, कोई भी हो, उसमें आपको यह अप्लाई करना पड़ेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले मैंने क्या बताया, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर। सब्जेक्ट से पहले हम क्या लगाएंगे, बाय, और बाय से पहले वर्ब की क्या लगेगी, कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म। इसको भूलिएगा नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट। उसके बाद मैं आपको बताता हूं टेंसेस के हवाले से, आपने सीखा था हमसे। अब टेंसेस के बारे में मैं आपको बता दूं कि टेंसेस के अंदर होते हैं 12 टेंसेस, यानी कि तीन टेंसेस होते हैं, उन तीन टेंसेस के 12 हिस्से होते हैं। उन 12 हिस्सों के अंदर से आज मैं आपको बता देता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है कि उनमें से 12 में से हम सिर्फ और सिर्फ 8 के पैसिव बनाते हैं। कितनों के पैसिव बनाते हैं, 8 के पैसिव बनते हैं। यानी किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता, किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनेगा। इसको दिमाग में रखिएगा, मैं आपको लिख के दिखाता हूं। अगले सेशन के अंदर जब हमारी और आपकी मुलाकात होगी, उस मुलाकात के अंदर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि पैसिव हम किस तरह से फॉर्म करेंगे। आज मैंने आपको बताया है पैसिव का स्ट्रक्चर, कल मैं आपको बताऊंगा कि पैसिव को हम किस तरीके से फॉर्म करेंगे, किस तरीके से किस सेंटेंस का पैसिव बनेगा, किस तरीके से किस सेंटेंस का पैसिव नहीं बनेगा, इसको दिमाग में रखिएगा। फिर दोबारा बता रहा हूं, यहां से स्टार्ट करता हूं। एक्टिव का मतलब होता है चुस्त, पैसिव का मतलब होता है सुस्त, वॉइस का मतलब होता है तर्ज बयान, एक्टिव वॉइस का मतलब होगा चुस्त तर्ज बयान, पैसिव वॉइस का मतलब सुस्त तर्ज बयान। एक्टिव वॉइस वो जुमला जिसमें किसी काम को करने का जिक्र हो, पैसिव वॉइस वो जुमला जिसमें किसी काम के होने का जिक्र हो। एक्टिव को पैसिव में चेंज करने का मैंने आपको बताया कुछ रूल्स हैं, तीन रूल्स हैं। रूल नंबर वन क्या था, क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे आपको पता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास एक्टिव का फॉर्मूला है।
हम इसको पैसिव में चेंज करें, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सब्जेक्ट को लेकर आए ऑब्जेक्ट की जगह पर और ऑब्जेक्ट को लेकर गए सब्जेक्ट की जगह पर। ये देखिए ऑब्जेक्ट यहां पर आ गया, सब्जेक्ट यहां पर आ गया, रूल नंबर वन। रूल नंबर टू, सब्जेक्ट से हमेशा पहले क्या लगाएंगे, बाय। और रूल नंबर थ्री, हम हमेशा बाय से पहले क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने आपको बताया ये बात कि हमेशा याद रखिएगा कि पैसिव बनाने के लिए हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, और किसी भी सेंटेंस का आप पैसिव बनाएंगे आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, इसको दिमाग में रखिएगा। चुल्ला बनाने के लिए, पैसिव बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। आपका ऑब्जेक्ट होगा तो आप उसका पैसिव फॉर्म करेंगे। ये मैं आपको अपने स्टूडेंट्स आपको आपके लिहाज से समझा रहा हूं, इसको समझिएगा बड़े आराम से देखिएगा। अब अगर हम इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि हमारे पास ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, बिल्कुल है, लेकिन ऑब्जेक्ट कब होगा। हमारे पास दो तरह के वर्ब्स होते हैं। कितने तरह के वर्ब्स होते हैं? दो तरह के वर्ब्स होते हैं। एक वर्ब हमारे पास कहलाता है transitive, ट्रांजिटिव, और एक वर्ब कहलाता है हमारे पास इनट्रांजिटिव। पहला वर्ब कहलाता है हमारे पास ट्रांजिटिव, दूसरा वर्ब कहलाता है हमारे पास इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। अब ये ट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, ये ट्रांजिटिव नंबर वन, नंबर टू इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, वर्ब किसे कहते हैं इसको भी समझ लें, verb वर्ब। वर्ब का मतलब होता है काम, काम का मतलब होता है अमल, अमल का मतलब होता है एक्शन। वर्ब का मतलब काम, वर्ब का मतलब काम। अब ये वर्ब लिखा हुआ, वर्ब, वर्ब की पहचान क्या है, वर्ब की पहचान ये, वर्ब की इनको वर्ब की पहचान ये है कि उसके आखिर में आता है नुनलिफ ना। क्या आता है? नुनलिफ ना। हर वर्ब की पहचान ये है कि वर्ब के आखिर में आता है नुनलिफ ना। मना करो, नुनलिफ ना आता है। अब ये जो ट्रांजिटिव वर्ब है, इस ट्रांजिटिव वर्ब का सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ट्रांजिटिव वर्ब को अपनी बात को मुकम्मल करने के लिए, और को अपनी बात को मुकम्मल करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। इसको अपनी बात को मुकम्मल करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, और ये जो चीज मैंने आपको समझाई इसको दिमाग में रखिएगा। कल अगर आप इसके कमेंट्स चाहेंगे, कमेंट्स में आपने कमेंट्स लाजमी करना है कि आपको कितने परसेंट समझ में आया है, कहां पे क्या चीज समझ में नहीं आई आपने मुझे बताना है, मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा। आज मैंने आपको पैसिव के बारे में बताया है कि पैसिव कैसे बनते हैं, एक्टिव क्या होते हैं, पैसिव क्या होते हैं, उसके रूल्स कितने हैं, पैसिव कहते कैसे हैं, एक्टिव क्यों होते हैं, पैसिव क्यों बनते हैं, ये मैंने आपको बताया है। उस पैसिव को बनाने के लिए मैंने आपको तीन रूल्स बताए, उन रूल्स को दिमाग में रखिएगा। और कल हम जो है डिस्कस करेंगे ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब, और कल मैं आपको टेंसेस के साथ बताऊंगा कि दोनों टेंसेस को लिखकर, यानी कि एक्टिव को लिखेंगे फिर पैसिव को लिखेंगे, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस एक्टिव का पैसिव कैसे बनता है। याद रखिएगा कि मैंने आपको बताया है कि 12 में से 8 टेंसेस का पैसिव बनता है, 4 के टेंसेस का पैसिव नहीं बनता। वो कौन कौन से हैं? किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता, और किसी परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनेगा, और फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनेगा। आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। YouTube पे मेरा चैनल है, उसका नाम है मैक होप, MAK HOP, ये वीडियोस पे भी अवेलेबल होगी, आप वहां देख सकते हैं। और मेरा व्हाट्सएप नंबर तो आपके पास है ही, 03132025195। और एक आज आते आते आपको उनसे एक बहुत मौतबाना तरीके से रिक्वेस्ट करके जाता हूँ कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने गिरदावनवाह के अंदर ख्याल रखें कि इस हालात के अंदर बाहर निकलना बेहतर नहीं है। हुकूमत अगर इकदाम कर रही है तो हमारे लिए कर रही है, हमें खुद को खुद से भी बचाना है, और खुद से दूसरों को बचाना है, और दूसरों से खुद को बचाना है। दूसरों को बचाने के लिए खुद की फिक्र करें, अपनी फिक्र के लिए दूसरों की फिक्र करें। हाँ, और एक बात और, जाते जाते कि अपने गिर्द नवाब में, अपने हमसाए में ज़रूर देखें कि हो सकता है कि इन हालात के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं सफ़ेदपोश जिन्हें इस वक्त आपकी हेल्प की ज़रूरत है। तो अगर आपके घर में कुछ थोड़ा सा पकता है अच्छा, तो मैं ये समझता हूँ कि उसको ज़रूर अपने किसी पड़ोस के घर में भेजिए, देखिए, ऑब्जर्व कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।